अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए जी, जाने से पहले की तैयारी है। नेहा जो है अपने जन्नत को शूज़ पहना रही हैं और देखें जन्नत कितने आराम से जो है ना बहन के बैठी हुई स्टाइल मार रही हैं खूब कि भाई नेहा नहीं करना है। और ये नेहा कैसा लग रहा है आपको? नेहा कैसा लग रहा है आपको तैयार होने के बाद शूज़ पहनाना? जन्नत कैसी फीलिंग्स है आपकी? ये देख सकते हैं आप जन्नत की मस्तियाँ। चले भाई दोनों खड़े होकर दिखा दें अपना लुक। मैंने शूज में पहना जन्नत पहनाएंगी मुझे शूज। व्हाट? वाओ कुछ मिला। आज हम लोग आए हैं कहाँ? मशहूर पाकिस्तान के मशहूर मतलब क्या खाने जो बंस रोड में है, बहुत फेमस है, बहुत सुना है उसके बारे में। तो ऐसा करते हैं ज्यादा टाइम लगाते थे, हम चल देते हैं अंकल से। वो अंकल से पूछते हैं, अंकल मुझे बताया आपको ये दही बड़े बनाते हुए कितना टाइम हो गया? बेटा 1954 से काम है दही बड़े का हमारा। माशाल्लाह माशाल्लाह, काफी साल हो गए आपको। जी जी बिल्कुल। तो ये बताएं कि आप दही बड़े के अलावा कुछ और करते हैं या बस यही है? बस सिर्फ दही बड़े का काम है हमारा। दही बड़े होते हैं, इसमें पापड़ी होती है, छोले होते हैं और मसाले हैं चटपटे और दही है मीठा, मतलब मीठे वालेंगे। अच्छा तो मुझे बताएं आप लोगों की टाइमिंग क्या है खोलते का, मतलब बंद कर? सुबह 11 से रात 11 तक का टाइम है बेटा। अगर 11 के बाद मतलब होता है सभी अप हो जाता है, 12 बज जाते हैं? हाँ ऐसा पॉसिबल है, रुक जाते हैं थोड़ा बहुत माल होता है तो, कस्टमर के ऊपर बात होती है, कस्टमर होता है तो रुक जाते हैं। सही। तो ये बताएं मुझे आप लोग मतलब क्या कहते हैं ये जो आप लोग बनाते हैं मीठे दही बड़े, ये रखते दही बड़े बनाता है? ये दही बड़े हम खुद बनाते हैं भाई। जी भाई बनाते हैं हमारे, वो बनाकर हमें देते हैं, हम सेल कर देते हैं। ओके, आप जैसे यहाँ सेल करते हैं आपके भाई बनाते हैं? जी। ओके ओके, तो ऐसा करते हैं कि आप हमें भी मतलब हम भी अंकल से दही बड़े टेस्ट करते हैं, आप लोग को बताते हैं कैसे हैं कैसे नहीं। जाते आप कुछ कहना चाहेंगे अंकल को? जी बेटे कुछ भी। वैसे दही बड़े ऐसा है, ये जब कहेंगी जब ये दही बड़े खा लेंगी फिर इनके जज्बात ऐसा साथ होंगे कि भाई हमने क्या देखा। हाँ ये कहेंगी हमने क्या खाया, मुंह जला दिया हमारा। तो ऐसा करते हैं कि अंकल से बोलते हैं कि अंकल वैसे हम ये आपके लिए बना रहे हैं। अच्छा, अगर हम खुद बनाना चाहें दही बड़े प्लेट में जी, ये आपसे बेटा होगा नहीं, कमर्शियल काम है ना ये। ओके, आपके हाथ खराब हो जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे। चले कोई नहीं, तो आप हमें बनाए, देखिए मैं बना रहा हूँ और अंकल को रिव्यू देंगे। और अच्छा वैसे जो बड़े ऑर्डर्स होते हैं जी जी, जो शादी का कर्मियों में जो चलते हैं, आप वो लेते हैं? वो हम माल दे देते हैं उनको बनाकर, हम जाते नहीं है। मतलब आप ऑर्डर ले लेते हैं? जी जी। ऑर्डर के लिए कोई कॉन्टेक्ट नंबर तो होगा? नहीं नहीं आना पड़ता है और उसके बाद ये कि आप हमें आकर बताते हैं कि हमें इतनी रिक्वायरमेंट है तो हम उसके मुताबिक आपको जो है बनाकर दे देते हैं। ओके, तो कितने दिन पहले देना पड़ता है ऑर्डर? एक दिन पहले, ताज़ा बनता है भले कितना भी क्वांटिटी हो। एक दिन पहले अगर कोई आपको सुबह दे तो आप नहीं लेंगे? सुबह को भी ऑर्डर मिलेगा, शाम तक मिल जाएगा। ओके, लेकिन ओके, ओके। तो ये तो भाई हमारे आपके लिए प्लेट, आप बैठे और इस प्लेट को टेस्ट करें मिक्स करके और फिर बताएं कैसे लगे दही बड़े आपको। तो भाई ऐसा करते हैं हम टेस्ट करते हैं फिर उसके बाद आपको बताते हैं। तो जब तक आप हमारे साथ कनेक्ट रहे और कनेक्ट रहने के लिए आपने हमारा क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब। तो अभी हम आपको खाने के मतलब टेस्ट करके बताते हैं। तो ऐसा करते हैं हम यही टेस्ट करके आपको बताते हैं और अंकल को रिव्यू दे देते साथ ही साथ। तो मेरे तो फेवरेट है, क्योंकि आपके लिए मैंने मसाला कम रखा है इसमें, आपका मुंह जल जाएगा तो आपने फिर कहना है मजा नहीं आया, हमारे तो मुंह जला दिया आपने। अब अभी मसाला ज्यादा है। जी बेटा कैसा पसंद? बहुत अच्छा लगा, पर ठंडी ठंडी दही लग रही है, क्या लग रहा है? जी ठंडे मीठे दही ठंडे लग रहे हैं और खट्टा मीठा दही मिक्स आप लोग का बना हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो मीठे दही बड़े शौक से भी खाती ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा जायका है। सिर्फ मीठे नहीं है, खट्टे मीठे नमकीन वगैरह बिल्कुल। जी जो बात है 3-in-1 टेस्ट है, बहुत मजे के हैं, बहुत टेस्टी हैं। आप लोग यहाँ आए ट्राई करें जरूर और हमें भी बताएं कि आपको कैसे आप लोगों को कैसे लगा। पर जाने से पहले अंकल से हम पूछ लेते हैं लोकेशन, तो अंकल आप हमें लोकेशन गाइड कर दें यहाँ की। बेटा बंस रोड फूड स्ट्रीट है, शॉप नंबर वगैरह 44B Park Mansion।
ओके तो बस यहीं पे हम अपना ये वाला ब्लॉग एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जन्नत में कभी भी कहीं पे भी आपके घर भी जन्नत भूल गई थी। अल्लाह हाफिज़।